नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। छठ का त्यौहार है और एक तरफ मोकामा में विधानसभा उपचुनाव है, इसको लेकर जहां एक तरफ नेतागण जो है राजनीति कर रहे हैं कहीं जात के नाम पे तो कहीं धर्म के नाम पे, वहीं दूसरी तरफ धर्म का मिसाल बन रहे हैं मुस्लिम समाज। जी, मैं अभी मोकामा के डाक बंगला रोड में मौजूद हूं और आप देख रहे हैं कि छठ के त्यौहार को लेकर मुस्लिम समाज के लोग जो है तैयारी शुरू कर दिए हैं। ये देखिए, ये जो है यहाँ बालू की कटाई कर रहे हैं और आगे इस सड़क को जो है साफ कर रहे हैं, जहाँ तहाँ गड्ढे जो हैं उसे मून रहे हैं और मुस्लिम समाज के लोग जो है एक भाईचारे का लोगों को संदेश दे रहे हैं। तो चलिए हम कुछ मुस्लिम समाज के लोगों से बात करते हैं जो धर्म का मिसाल दे रहे हैं। तो हम मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात करते हैं जो एक भाईचारे का संदेश देने का काम कर रहे हैं। ये बताइए, एक तरफ चुनाव में जात और धर्म के नाम पे लड़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ आप लोग जो हैं हिंदू के इस बड़े महत्वपूर्ण जो पर्व हैं त्यौहार हैं उनके लिए सेवा का। देखिए, मेरा नाम शोएब खान है। सबसे बड़ी दौलत दुनिया की क्या है? इंसानियत। इंसानियत के आगे कुछ ना है, ना होगा, ना रहेगा। और दूसरी बात यह है कि मोकामा की जो नगरी है, मोकामा का जो जगह है, मोकामा एक ऐसा जगह है कि आप पश्चिम में हाथ उठाओगे तो बाबा परशुराम है, बाएं में हो तो बाबा पीर हैं, दाहिने में चले जाओगे तो यहाँ पे चूहर बाबा हैं, माँ मरियम है और सामने हमारी माँ गंगा है। यहाँ गंगा जमुना तहजीब बहती है, बसी है और सबके दिलों में राज करती है। दोस्त, यहाँ हमारा जो छठ माँ का पवित्र त्यौहार है, हम सब मिलके एक मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एक साथ रह रहे और रहेंगे, ना किसी बहकावे पे, ना कोई पॉलिटिकल के बहकावे पे रहे हैं ना रहेंगे। मतलब कितना भी कोई लड़ाने के लिए चाह ले, लेकिन हिंदू मुस्लिम को मोकामा में कोई लड़ा नहीं सकता। आज तक 1975 साल में किसी हिलाया है? न हिलाएगा, हिलाया है ना। कब से ये पहली बार इस तरह का सेवा प्रदान करिए, पहले से भी करते नहीं? हम पहले से करते रहे, हम 20 साल से लगे इस काम में, लेकिन सालों से साल से लोग सेवा में। बहुत बड़ी बात है, जहां एक तरफ मुस्लिमों को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बयाने आती हैं, लेकिन मोकामा की बात करें तो 20 वर्षों से सोहेब जी जो हैं छठ व्रतियों के लिए यानी हिंदू के पर्व के लिए जो है अपना सेवा देते हैं, चाहे रोड सफाई की हो और किस तरह का सर्विस। किस तरह का लोगों को फैसिलिटी चाहिए, कोई गिर गया है, कोई बीमार हो गया है तो हम लोग उठा के हॉस्पिटल ले जाएंगे, इलाज कराएंगे, यहाँ पे पानी का सुविधा रखेंगे, लोगों को तकलीफ नहीं हो, कोई गिर गया फिर गया उनके पानी का सुविधा। मतलब यहाँ जो है छठ व्रतियों के लिए पानी वगैरह? हाँ, पानी का सबका इंतजाम होगा। जी, सारा इंतजाम है, चाय रहेगा, पानी रहेगा, चाय और पानी। जी हाँ, छठ व्रतियों के लिए सारे के लिए, कि यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही मैसेज देना है कि हम लोग एक है और भारत एक है। मोकामा में चुनाव भी है, ठीक ना? मोकामा में चुनाव है और कहा जा रहा है कि मोकामा में दो बाहुबलियों का लड़ाई है, तो सर उससे हम देखिए, जो चुनाव का जो मकसद है, चुनाव अपनी जगह है और हम लोग जो है, चुनाव 4 दिनों का होता है, कौन जीता और कौन हारा रहता है। ये जो त्यौहार है ये पवित्र त्यौहार है, ये जो त्यौहार है छठ माँ का त्यौहार, जैसे हमारा रमजान है उसी तरह छठ मैया है। हाँ, हम लोग मिलजुल के ये कर रहे हैं कि ये हमसे, हमें भी थोड़ा सा इनका सवाब मिल जाए। अच्छा, ये बताइए, आप काफ़ी बुजुर्ग हैं और ये बताइए, मोकामा में विकास को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मोकामा का विकास, इस वक्त विकास की बात हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल बात हो जाएगी। विकास तो आपको मालूम है कि हमारे यहाँ भारत वैगन बंद, सूता मिल बंद, बाटा बंद, मैकडोवल बंद, यहाँ बंद के सिवा चालू कुछ नहीं हुआ। आप भी जानते हो, आप इसी मोकामा में पैदा हुए हो, तो यहाँ कुछ विकास की बात नहीं करना है, समाज को एक करके चलना, यही हमारा मैसेज है। मुस्लिम समुदाय का वोट इस बार किधर जाएगा? माफ कीजिएगा, हम इस पर नहीं कमेंट कर सकते हैं, इसके लिए हम कमेंट करते हैं, अभी छठ का जो मैंने रोका देंगे। हम छठ पूजा के लिए कर रहे हैं जी, पूर्ण प्रताप के लिए कर रहे हैं हम। तो आप देख रहे हैं फिलहाल अभी राजनीति को लेकर बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जिस तरह का सेवा ये दे रहे हैं ये सराहनीय है, जिस तरह का मैसेज दे रहे हैं। आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे जो गड्ढे हैं देख रहे हैं, रो रहे हैं, उन्हें हटा रहे हैं, साफ कर रहे हैं और आगे भी देखिए कई जगह जो है ये जो है गड्ढों को जो है इन्होंने भर दिया है। लगभग जो है
30 से 40 संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं इस तरह का सेवा कर रहे हैं। देखिएगा ये किस तरह का जो है, मतलब डाकबंगला रोड का क्या स्थिति है, इससे आप अच्छी तरह से वाकिफ है। रेलवे जो है इसे, इस रोड को हमेशा ही इग्नोर करके रखा है, इसे ध्यान जो है नहीं देकर रखा गया। ये रोड काफ़ी ख़तरनाक है और गाड़ी या मोटर से तो दूर की बात, पैदल भी चलना इस रोड में बहुत ही ख़तरनाक है। इसको लेकर जो है मुस्लिम समुदाय के लोग जो है लगातार अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यह रोड जो है आने जाने के लोगों के लिए जो है सुविधाजनक बन जाए। तो ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अवगत रहने के लिए देखते रहें स्वराज भारत लाइव। धन्यवाद।